देश के जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक बार फिर से सुनील ग्रोवर के साथ हुए झगड़े पर चुटकी ली है और मजाकिया अंदाज में एक लेटेस्ट पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्ट में साफ तौर पर सुनील ग्रोवर के साथ कपिल शर्मा को देख सकते हैं और कपिल और सुनील के पैचअप के बाद कई सारी तस्वीरें व वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन 7 साल के बाद सुनील ग्रोवर संग फ्लैट में बैठे कपिल शर्मा का एक लेटेस्ट फोटो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है और वर्षों बाद अब कपिल शर्मा ने फिर से 7 साल पहले हुई लड़ाई का दोबारा से मजाक बनाया है। होता यूं है कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा वर्षों बाद एक साथ काम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल द ग्रेट इंडियन कपिल शो में दोनों 7 सालों के बाद दोबारा काम करते हुए दिखाई दिए। दोनों अब 7 साल पहले हुई लड़ाई पर जोक्स बना रहे हैं और शो के पहले एपिसोड में भी दोनों एक दूसरे का खूब मजाक भी उड़ाया था। दोनों अपने अपने फैंस को ये बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे कि उन्होंने अपनी लड़ाई को भुला दिया है और फिर से एक दोस्ती का मिसाल पेश कर रहे हैं। जहां उनके शो पर उनकी लड़ाई का मजाक उड़ाया गया, वहीं कपिल के एक नए पोस्ट में भी उनकी लड़ाई का मजाक उड़ाया गया है। आइए चले जानते हैं कि कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या पोस्ट कर दिया है जिसको लेकर इन दोनों खूब चर्चाएं की जा रही है। होता यूं है कि कपिल शर्मा ने बीते रविवार रात सुनील ग्रोवर के साथ एक फ्लाइट में ट्रेवल करने वाली एक तस्वीर को शेयर किया है। फर्स्ट क्लास में बैठे कपिल और सुनील कैमरे के सामने पोज देते हुए जूस पी रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए कपिल ने लिखा, चिंता मत करो दोस्तों, ये एक छोटी सी फ्लाइट है। इस पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि आज से 7 साल पहले फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिस लड़ाई के बाद कपिल शर्मा का दामन हमेशा हमेशा के लिए सुनील ग्रोवर ने छोड़ दिया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इस प्यारी सी तस्वीर पर अब कई सारे नामचीन कलाकारों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिनमें भारती सिंह ने हंसने वाली इमोजी कमेंट किए, जबकि अनुभव सिंह बस्सी ने कमेंट में हा हा और फैंस ने उसके जूस पर कमेंट करते हुए कई सारे मजाकिया अंदाज में बातें लिखी हैं और ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना था 2017 में, जब दोनों कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर के बीच में एक फ्लाइट में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त एक शो खत्म करने के बाद वो मुंबई वापस लौट रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि झगड़े के दौरान कपिल शर्मा नशे में धुत थे और उन्होंने सुनील ग्रोवर को थप्पड़ मारा था। इस कथित घटना के बाद सुनील ग्रोवर ने दी कपिल शर्मा शो को छोड़ दिया था, जिसके 7 साल बीत जाने के बाद अब दोनों की जबरदस्त तरीके से वापसी हो चुकी है और इन दोनों के चाहने वाले अब इन दोनों को एक साथ छोटे पर्दे पर देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हैं।